भारतीय जनता पार्टी की अब तक की लगता है कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। जिस तरह से हमारे नतीजे आ रहे हैं, 29 तक हम पहुंच गए हैं, उससे आगे भी हम जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त और ये एक संयोगवश बात भी और ये एक संतोषजनक भी कि ये चुनाव हमने मात्र और मात्र विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ा था। लोक हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं यहां लाई गई, उनको जिस प्रकार से धरती पर उतारा गया, वो लेकर के हम उस आह्वान को लेकर के हम लोगों के बीच में गए। जात पात धर्म से ऊपर उठ करके एक नई शैली और नई संस्कृति से मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया। आपने देखा होगा मोदी जी के जितने भी विकास कार्य हुए हैं, अगर एक ही उदाहरण ले लें प्रधानमंत्री आवास योजना, तो कितने के कितने कच्चे घर पक्के में परिवर्तित हो गए। ये ना पूछा गया कि धर्म किसका है, जात किसकी है, घर हिंदू का है कि मुसलमान का है, ठाकुर का, ब्राह्मण का। और इस प्रकार से एक इंक्लूसिव ढंग से मोदी जी ने 10 वर्ष में हमें जो नेतृत्व दिया है, उसी का पैगाम, उसी का संदेश लेकर के हम इस चुनाव में उतरे थे। और जबकि दूसरी ओर जो चुनाव लड़ा गया है इंडिया ब्लॉक की ओर से, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि शायद कुछ बहुत पोलराइजेशन की भी बात हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक इंक्लूसिव ढंग से चुनाव लड़ा है, राष्ट्रवाद को लेकर के, और सभी संभागों का संतुलित विकास हो क्षेत्रीय भेदभाव के बिना, उन मुद्दों को लेकर के सभी हमारे जो विजयी हुए हैं और जो विजयी होने वाले हैं, अभी कुछ एक घोषणाएं औपचारिक बाकी हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। अगर कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो कांग्रेस का इसमें से एक निष्कर्ष ये निकलेगा, कांग्रेस की सफाई जिस प्रकार से हरियाणा में हुई है, उसी प्रकार यहां से भी होगी। कांग्रेस कुल मिलाकर के 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 4 कश्मीर संभाग में और 1 यहां पर उनको जीत मिली है, कुल 5 में, और उसमें से केवल 2 सीटों पर उनको जीत प्राप्त हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार की कांग्रेस ने वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पालन किया देश भर में, उसको रिजेक्ट करने का कार्य आज जम्मू कश्मीर से भी हो गया है। और हमारी मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ाई थी और हमें संतुष्टि है कि जिस तरह का ट्रेंड देश भर में देखने को मिल रहा है, वही आज आपको उसी का दृश्य जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे विजयी होने वाले उम्मीदवार इसी प्रकार पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ मोदी जी के नेतृत्व में उनकी योजनाओं को धरती पर इसी प्रकार उतारने का कार्य करते रहेंगे। और आने वाले समय में विकसित भारत 2047 में जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख भूमिका रहने वाली है, आने वाले समय में भारत की ग्रोथ स्टोरी में, उसमें उसको सुचारू ढंग से निभाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। बहुत